ये है आपके सामने अमाइंस चैप्टर, अमाइंस का वर्कशीट, 70 मार्क्स, 3 आवर्स का पेपर है। इस पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए 3 घंटा बैठकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम अमाइंस। सेक्शन ए एमसीक्यू टेस्ट स्टार्ट। स्टार्ट करो, सोना नहीं है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 8 दिख रहा है, देखो करो लिखो, सोने नहीं देंगे, क्वेश्चन करो करो क्वेश्चन करो। 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 13 14 15 assertion is in question। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन 18 assertion reasoning। 2 marks each question, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में 100 में 100, 100 में 100 लाने के लिए ये क्वेश्चन करना होगा। चैप्टर वाइज पेपर आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नहीं करोगे मार्क्स नहीं आएगा। सेक्शन सी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। उठ जाओ, क्वेश्चन करो, सो नहीं, बकर बकर बोलो नहीं, क्वेश्चन करो। सेक्शन डी 4 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई 5 मार्क्स क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अमाइंस चैप्टर सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 33 और 34, 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन अमाइंस का क्वेश्चन आपने देखा, अब इसका मार्किंग स्कीम आंसर देखिए। अभी आपने क्वेश्चन किया, अब आप आंसर, पहले पूरा क्वेश्चन कर लीजिए फिर आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, सामने देखो और क्वेश्चन को करो। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर से मैच करो कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। सेक्शन बी 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सामने आंसर दिखाया जा रहा है। सेक्शन
सेक्शन बी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, आपके सामने आंसर दिखाया जा रहा है। सेक्शन सी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये रहा। सेक्शन डी 4 मार्क्स केस स्टडी क्वेश्चन का आंसर ये रहा। सेक्शन ई 5 मार्क्स, सेक्शन नंबर 35 लास्ट सेक्शन ई। कंप्लीट एमाइंस चैप्टर के वर्कशीट एंड कंप्लीट आंसर शीट आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। इसे फॉलो करें और 100 में 100 मार्क्स लाने की कोशिश करें। करोगे 100 मार्क्स। ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन कीजिए जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया, आंसर भी बताया गया। ओके बाय।